नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड रणनीति की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पेपर आपका 30 मई को है और जल्द ही आपको एडमिट कार्ड भी मिलने वाले हैं, तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही तेज़ी से चल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसी के से रिलेटेड मैं आज का ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें कि आपको इन 7 दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों ने ये चीज़ें बहुत ध्यान से एनालाइज़ की हैं वो ये पेपर ज़रूर क्रैक कर ले जाएंगे। कैसे कर लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस में आपको कहाँ से कितनी चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप पेपर को क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटें कितनी हैं, 200+ हैं, ठीक है, 200+ हैं। और फॉर्म कितने लोगों ने डाला है, फॉर्म डाला है +6 लाख लोगों ने, ठीक है, 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म डाला है। तो इस कंडीशन में 6 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं और मिलेंगी सिर्फ 250 सीटें, लगभग 250 सीटें हैं टोटल, तो इसमें सिर्फ 250 लोगों का ही होना है, ठीक है। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है जिससे कि इन चीज़ों से आप ओवरकम हो सकें, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड है, ये 50 क्वेश्चन आएंगे इसके, 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 नंबर के होंगे, ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। यही सेम चीज़ आपका जीके का भी रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का रहेगा। सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित ये मिक्स में रहेंगे, दोनों से मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का ये भी रहेगा। और सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, वो आपकी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का यहाँ पे भी रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको 2 ही घंटे मिलने हैं, ठीक है, 2 घंटे में ही। और जहाँ तक उम्मीद है कि ऑफलाइन ही होगा, वैसे आयोग की तरफ से कुछ ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन पूरी तैयारी यही है कि ऑफलाइन ही हो रहा है पेपर, ठीक है। तो ऑफलाइन पेपर हो रहा है और उसमें आपको बबल भी भरने का टाइम चाहिए, ठीक है। तो बबल भरने के टाइम में आपको लगभग 15 मिनट तो बबल भरने में चाहिए कम से कम, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो, कम क्वेश्चन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2 घंटे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, निगेटिव फैक्टर जो क्या है, हाफ है, ठीक है, मतलब आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो आपके आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पेपर में, खासकर UP SSC के आपसे जो पेपर हो रहे हैं वहाँ सभी ही इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और पैटर्न वही सेम है, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले जिन लोगों की हिंदी तैयार है, मैं कहूँगा वो लोग पेपर को पहले अटैम्प्ट करेंगे, सबसे पहले हिंदी को अटैम्प्ट करेंगे। हिंदी को अटैम्प्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा, ठीक है। अगर आपको हिंदी अच्छे तरीके से आती है तो आप हिंदी को अटैम्प्ट करिएगा पहले, तो आप मात्र लगभग 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, जो भी 50 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करिएगा, थोड़ा फास्ट करिएगा, ठीक है। तो 15 मिनट में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपका हिंदी हो जाए तो आप पहुंचिएगा जीके पे, क्योंकि जीके, हिंदी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहेंगे, ठीक है। और रही बात अंक गणित की, मैथ वैथ की, तो इनमें क्या है, आपको पेन ज़रूर चलाना पड़ेगा, और जब पेन चलाएंगे तो आपका टाइम लॉस होगा, तो आप जो आते रहेंगे क्वेश्चन वो भी छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि आपको हिंदी ट्राई करना है, उसके बाद सामान्य ज्ञान ट्राई करिएगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान को ट्राई करिएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान को ट्राई करने के बाद अब आपके पास बचा एप्टीट्यूड और मैथ, ठीक है, मैथ। तो इन दोनों में फिर आपका जो भी स्ट्रांग हो उस पोर्शन को उठाइए, ठीक है। एप्टीट्यूड अगर आपका स्ट्रांग है तो एप्टीट्यूड उठाइए, और मैथ स्ट्रांग है तो मैथ को उठाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग को एक कमांड आ जाएगी, जब आप इतने क्वेश्चन सारे कर लेंगे, आपका सामान्य हिंदी अच्छा चला गया, सामान्य ज्ञान अच्छा चला गया, फिर सामान्य विज्ञान भी आपने अच्छे से कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप मैथ्स पे पहुंचेंगे या एप्टीट्यूड पे बचेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपको फ़ायदा देगा, और आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो रहेगा नहीं, इतना करने के बाद आपके पास मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है, हाफ आवर एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। तो इतना करने का, अगर आपने उसी में भर भी लिया है, ठीक है, इतना करने के बाद आपके पास आधा घंटा बचेगा, इसी आधे घंटे में आपको एप्टीट्यूड भी ट्राई करना और मैथ भी ट्राई करना है। अब जितना ज़्यादा उधर आप समय बचा ले जाएंगे हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से, उतनी ज़्यादा टाइम आपको इधर मिलेगा, वरना आपको क्या मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा,
10-5 मिनट मिलेगा, अगर आपने उसमें ज़्यादा समय लगा दिया तो उसमें जो नहीं आता उनको तो छोड़ दीजिए। और हाँ, तुक्का तो बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि तुक्का लगाएंगे तो आप लोग का सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा जिन लोग तुक्का लगाएंगे, क्योंकि हाफ मार्किंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आप जो सही करके आ रहे हैं वो भी आपका निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहना है। तो देखिए, एप्टीट्यूड में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अक्सर ज़्यादातर लोग कर ही ले जाएंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम होते हैं, ये सारी जो ग्राफिक्स होते हैं, सांख्यिकी होती है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादातर लोग कर ही ले जाएंगे इसमें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि फिक्स रहती हो कि ये चीज़ आएगी, वही नंबर आएंगे ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर, सारे रीजनिंग एप्टीट्यूड सब एक ही में मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, मिसिंग नंबर आ जाएगा, नंबर आपको यहाँ पे बताना रहेगा कौन सा नंबर है, ठीक है, मिरर इमेज आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आपकी इससे रिलेटेड आ जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको क्या करना है, सामान्य ज्ञान में आप कंप्यूटर ज्ञान में क्या पढ़िएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे 100%। जैसे कि आपका GB, ठीक है, GB, TB, हार्ड डिस्क में जितनी भी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं वो सारी पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में आप लैन, वैन, मैन ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब कि आप ये जान लीजिए कि पूरा कंप्यूटर का बेसिक इतना छोटा सा पढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में आप ये सारा तैयार कर लेंगे और 3 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं। और अगर हम नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो भी आप 1 से 2 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अगर आपको बेसिक नॉलेज है इन सब चीज़ों की। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा लैन, मैन, वैन पढ़ लीजिएगा, बाकी चीज़ें भले मत पढ़िएगा, क्योंकि ये पढ़ लेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार होगा उनको जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विशिष्ट आधारित, ये सारी चीज़ें, जनसंख्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी का, ठीक है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वो उनसे कई बार क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो पढ़ रखी हैं पहले से, या जो मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान इन सारे के वीडियोस डाल रखे हैं। तो अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम इसी लेवल के मैंने क्वेश्चन दिए हैं जिस लेवल के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान दे लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, लेकिन आप जाके देख सकते हैं। और मैं ये करूंगा कि मैं इसके नीचे मंडी परिषद की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। भारत का विश्व भूगोल थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, जो आता है वो ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है भारत के भूगोल के बारे में, नदी पर्वत ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, राजधानी देख लीजिएगा, कौन सा माइंस कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान की, यानी कि GS की, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बहुत डाल रखे हैं। तो सामान्य विज्ञान के जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर की हैं। और बाकी जो चीज़ें आप लोगों को देखनी है वो देखनी है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जो मैंने करा दिया है वीडियोज़ में, उनके अलावा आप लोग इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस हो जाइएगा। इनसे क्वेश्चन आपको लगभग टोटल 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इन तीनों से मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, बाकी चीज़ें इनसे आ जाएंगी, ठीक है। और प्रारंभिक गणित इसी में आना है तो 20-20 क्वेश्चन इनके भी रहेंगे, ठीक है, 20 से 21 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। इसमें क्या होगा, आपका अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित इन सबसे रिलेटेड होगा, ठीक है। बाकी आप लोग ये प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियाँ, ये ऐसे डायरेक्ट पढ़ लीजिए, ये तो बिल्कुल डन है। नीचे वाले ये जितने भी हैं, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, विभिन्न बीमारियों के भोज्य पदार्थ का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जल चक्र, जल स्रोत के, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पढ़ लीजिए, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट ही ऐसे ही पूछा जाएगा। और ये ज़्यादा बड़े हैं भी नहीं, इन्हें आप 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक का, ठीक है, बहुत ही जल्दी आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी होगा,
तो जिनको तैयार है वो रहने दें, लेकिन जिनको नहीं तैयार है वो इसे ज़रूर एक बार देख के जाए, क्योंकि पेपर में उन चीज़ों को ज़रूर देख के जाइए जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, क्योंकि अगर आप वो कर ले गए और प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो सब नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में मैंने कई चीज़ें पढ़ा रखी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो चीज़ें अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश ये चीज़ें कोई आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना, ये चीज़ें आप वहाँ पेपर में बैठ के भी कर लेंगे। तैयार क्या करना है, शासकीय अर्ध शासकीय व्यक्तिक व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबोधित पत्र कार्यालय अधिसूचना परिपत्र संबंधी। ये दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, तो ये देख लीजिएगा कि शासकीय पत्र किन्हें कहते हैं, अर्ध शासकीय व्यक्ति किन्हें कहते हैं, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, अधिसूचना और परिपत्र। ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका डन है। वर्ण एवं ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा, पहचान, प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण। तो ये वर्णमाला से रिलेटेड जो वीडियो है मैंने डाल रखा है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी जो भी पेपर में आते हैं, इनसे लगभग आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। संधि एवं संधि विच्छेद, समास का भी मैंने बता रखा है, बहुत ही अच्छा ट्रिक, उपसर्ग का भी बता रखा है, और संधि एवं संधि विच्छेद ये पूरा मैंने बता रखा है, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए जिनका मंडी परिषद का पेपर है या आने वाले समय में और भी पेपर हैं, वो लोग इस जो हिंदी के वीडियोज़ हैं मेरे वो देख लेंगे, क्योंकि वो मैंने सारी चीज़ें ट्रिक से बताई हैं। अगर आपको पता भी है हिंदी तो भी देखिएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो ट्रिक आपको अच्छी लगेगी तो हो सकता है वो आपका समय बचाए, तो इसलिए उन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तत्सम से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रखी है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, तो आप चीज़ें जल्दी कर लेंगे। ठीक है, मात्र 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो हैं, उनमें आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विस्मयादि निबोधक, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, इनसे मिला के लगभग आपका 3 क्वेश्चन आएगा, वो भी बड़े आसानी से मिल सकता है आपको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी ऑलरेडी। ध्यान कहाँ देना, क्रिया विशेषण में आप लोग गलती कर देते हैं ज़्यादातर लोग, और अव्यय, तो ये दोनों पे आप ध्यान दे लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं आसानी से। पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो अक्सर आती हैं हर पेपर में। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि से रिलेटेड दोस्तों मैं जल्दी एक वीडियो डालने वाला हूँ 1 से 2 दिन में, उसके बाद जिनको नहीं आता है वो लोग भी समझ जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट अभी छांट रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो वीडियो तैयार हो जाएगा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, लिंग, वचन, काल, वृत्ति, पक्षवाच, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी पूरा ध्यान दीजिए, ये एक एक नंबर के जरूर आते हैं, तो इनको भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर आपका सरल, संयुक्त, मिश्र और वाक्य शुद्धि मैंने बताया, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों अगर आप हमारे हिंदी के प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो हिंदी के मैंने जो मंडी परिषद से रिलेटेड करा रखे हैं लगभग 15 से 16 वीडियो मैंने हिंदी के डाले थे, वो सारे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया और आपको एग्जाम्पल के साथ कराया है। ठीक है, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, ये आप बेसिक है, ये तो कोई इतना ज़्यादा है नहीं, आप कर ही लेंगे। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली, मुख्य बोली ज़रूर देख लीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन तय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रणनीति। रणनीति में मतलब आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखिए, आप लोग, मुझे पता है आप लोग बहुत, जब से डेट आई होगी तब से पढ़ रहे होंगे, बहुत दबा के पढ़ रहे होंगे, लेकिन करना क्या है कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देने हैं। ठीक है, कम से कम 2 घंटे देने हैं। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स आप लोग को 6 महीने का ही मात्र पढ़ना है। ठीक है, साल वाल का मत पढ़ने लगिएगा 1 साल का, क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ आपको होता क्या है, 6 महीने का अगर आप पढ़ लेंगे तो होगा क्या कि क्वेश्चन इसमें आपका कोई PCS का पेपर नहीं देने जा रहे हैं कि साल भर का पूछा जाएगा, तो ये 6 महीने का पूछेगा, हो सकता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे मिलें जो कि साल भर पीछे के रहें, लेकिन वो बहुत ही कम चांस है, क्योंकि आप में टोटल आएंगे कि इतने क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे, या थोड़े बहुत इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इतने तो आपको मिलने ही हैं। ठीक है, तो अगर 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और आप 7 से 8 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते हैं
वो क्या थे, 1 साल के बाद वाले थे, मतलब 6 महीने के बाद वाले थे, तो आपको टाइम भी बच जाएगा। अगर आपने के पास टाइम है कि आपकी सारी तैयारी हो चुकी है और आप देखना चाहते हैं कि मैं 6 महीने का, मैं ये एक दो नंबर भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो भाई आप लोग 1 साल का भी तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आप चीज़ों को सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं, तो मेरी मानिए 6 महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी मत पढ़िए, क्योंकि इतना ज़्यादा डबल पढ़ने का मतलब कुछ है नहीं। और 2 2 घंटे सभी को दीजिए, जो आपका ज़्यादा तैयार हो उसको कम करके 1 घंटे, उसको 1 घंटे कम करके आप करंट अफेयर्स को दे दीजिए, अगर आपका वो ना तैयार हो। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठ रहे हैं। ठीक है, 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, तो वो लगभग कम से कम 60-50% तो वो आएंगे ही देने पेपर। और उसके बाद सीटें कितनी है, 250+ है, तो उसमें आप लोगों को जान जाएगी कि कितना टफ कंपटीशन है। उसमें अगर आप इस समय पेपर में, जब आप, जबकि 7 ही दिन बचे हैं, आप 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ेंगे, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ें तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर मिनिमम 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और ख़ासकर उनका जिनकी अभी तैयारी ही कुछ नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लोग को करंट अफेयर्स का मैं बता रहा था कि दिसंबर से शुरू करिएगा, और मई में आप लोग 20 मई तक का पूरा तैयार कर लीजिएगा, 20 मई। ठीक है, इस महीने के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर्स पूरा पेपर सेट हो जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स को बाद में ऐड किया जाता है, तो बहुत से लोग सोचेंगे कि मई में तो पेपर हो रहा है तो मई का तो आएगा ही नहीं, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। 20 मई तक का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और दिसंबर से पूरा, ठीक है, और नवंबर से भी कर सकते हैं, 6 महीने का, हाँ, नवंबर से पूरा 20 मई तक का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे आपका पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और तो दोस्तों, मैंने जैसा कि पूरा आप लोगों को रणनीति बताई है 2 2 घंटे की, तो 2 2 घंटे सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए, जो चीज़ें ज़्यादा आपकी तैयार हैं उन पे ज़्यादा बार बार मत फोकस करिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, नई चीज़ों को बिल्कुल मत पढ़िएगा, नई चीज़ें पढ़ने से आपका दिमाग कन्फ्यूज़ होगा कि अरे ये मेरा ये भी छूटा रह गया, मैं इसे भी पढ़ लूँ, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करिए। जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको तैयार हैं, उन्हीं चीज़ को बार बार पढ़िए। और हाँ, थोड़ा बहुत टाइम है एक्स्ट्रा, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सब्जेक्ट उठा के बैठ गए नए कि अब हमें और ये भी चैप्टर तैयार करना है नया। सारी चीज़ें प्रीवियस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हों आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के मंडी परिषद से रिलेटेड नहीं, UP SSC के, वो सारे सॉल्व कर लीजिए। हमने भी जो प्रोवाइड करा रखे हैं ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस के फॉर्म में, उन सबको भी देख डालिए पूरा लाइन से, और जो टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट जो आप लोगों ने ट्राई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी ट्राई करते रहिए। डिफरेंट बुक्स भी मार्केट में आ गई हैं, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो कि हर बार आते हैं, मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग इन सब में आते हैं, वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आप लोगों को ये इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, समय समय चाल और दूरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपका होता है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे बेसिक क्वेश्चन बहुत ही आराम से डायरेक्ट बन जाते हैं और आपका समय भी कम लगेगा। फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर आपका सिलोगिज्म, सिलोगिज्म जो कि आपका वेन डायग्राम से बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने इनके करा रखे हैं सिलोगिज्म से रिलेटेड, तो उसे देख लीजिएगा। रैंकिंग एंड ऑर्डर, इसका भी मैंने जल्दी में वीडियो डाला है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग बहुत ही जल्दी कर सकेंगे इस वीडियो को। ठीक है, फिर एज बेस्ड क्वेश्चन, उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा, ये डायरेक्ट आते हैं, हर पेपर में आते हैं, तो इसे भी आप लोग, जिनको नहीं आता है वो लोग ये देख लेंगे, बेसिक देख लेंगे, इससे कि गिरती हालत में भी आप एक पेपर अच्छा कर सकें। फिर टाइम एंड वर्क, कि मतलब एक आदमी 10 दिन में काम कर सकता है, दूसरा आदमी इतने 5 दिन में, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ये वाले क्वेश्चन। फिर पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, सिस्टर्न एंड पाइप वाले क्वेश्चन, कि पाइप है और एक टंकी है, उसमें पानी भर रहा है, एक पाइप खुला हुआ है, एक पाइप से भर रहा है, तो कितने समय में भर जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लोगों को पता ही होगा कि एक दूध में पानी मिला दिया दूधिया ने और इतने रुपए में बेचा, तो उसको कितना हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। डायरेक्शन टेस्ट आप लोगों को पता ही है, और ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिन लोगों का ये चीज़ें नहीं तैयार है इनमें से अच्छे तरीके से,
वो लोग इन चीज़ों पे ध्यान दें, वो लोग इन चीज़ों को इन बाकी बचे 7 दिनों में तैयार कर लें। मैंने किया था बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल तक इसे ट्राई करें, छोटे छोटे लेवल पूरा मतलब जो बेसिक लेवल है कम से कम वो चीज़ तो आनी ही चाहिए कि पेपर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकें और आप जल्दी कर सकें। आपको सबके लिए समय से बराबर होगा, उसी में कोई ज़्यादा क्वेश्चन करेगा कोई कम करेगा, ठीक है। तो आप लोग की रणनीति यही होनी चाहिए कि जो चीज़ें आती हैं मैं वो चीज़ें तो कर ही लूँ, प्लस कुछ नया भी कर ले जाऊँ, एक्स्ट्रा चीज़ें कर ले जाऊँ जिससे कि आपका सेलेक्शन हो जाए, ठीक है। उन चीज़ों पे पूरा फोकस होके पढ़ें इस समय, बाकी कोई चीज़ें ध्यान मत दें इधर उधर की चीज़ों पे। 10 घंटे पूरा, 8 से 9 घंटे पूरा पढ़ाई करें, उस पर ध्यान दें पढ़ाई पे। और जो भी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस ज़रूर करिए, पेपर की दिन में जितना भी पढ़ें उनका प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं कि आप लोग मंडी परिषद एग्ज़ाम को क्रैक करें, अच्छे से करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोज़ और भी डाल सकूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट से रिलेटेड, जल्दी वीडियोज़ वो आपको मिल जाएंगे आप तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।